जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मैं आज बात कर रही हूँ धार्मिक पुस्तकों की, धार्मिक ग्रंथों की। वो धार्मिक पुस्तकें जो हमारे घर में होती हैं, हमारे घर के मंदिर में होती हैं, जिनको हम अपने मंदिर में पूजा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन धार्मिक पुस्तकों को रखने का सही तरीका क्या है? उन धार्मिक पुस्तकों को अगर आप ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं तो क्या अनर्थ हो सकता है? और खंडित हुई धार्मिक पुस्तकों का हम क्या करें? वीडियो कुछ अलग हटके जरूर है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ धार्मिक पुस्तकों की, धार्मिक ग्रंथों की, जो सभी हिंदू परिवारों में उनके घर में हुआ करती है, यानी कि मंदिर में हुआ करती है। अब वो धार्मिक पुस्तकें यानी कि श्रीमद् भागवत गीता हो, या श्री रामायण हो, या श्री सुंदरकांड हो, या हनुमान चालीसा हो, या शिव चालीसा हो, या शिव पुराण हो, या कोई भी इस तरह की अनेकों धार्मिक पुस्तकें जो हमारे घर में होती हैं, जिन्हें समय समय पर हम उपयोग में लेते हैं, यानी कि हम उनकी पूजा करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, परंतु उन धार्मिक ग्रंथों को घर में रखने का मतलब क्या है? कि ये धार्मिक ग्रंथ भगवान स्वयं कहते हैं कि इन धार्मिक ग्रंथों के अंदर मैं स्वयं विराजमान हूं। पन्ने पन्ने में ईश्वरीय शक्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता की बात करूं या श्री रामायण की बात करूं, पन्ने पन्ने में ईश्वरीय शक्ति होती है। जब भी आपने कहीं देखा होगा अखंड रामायण का पाठ होता है या भागवत गीता होती है, तो उसकी पूजा प्रथम की जाती है और पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी सफाई के साथ उसकी उसको हाथों में लिया जाता है और पूरे नियम और कायदे कानून के साथ उसको फिर विश्राम दिया जाता है आरती करने के पश्चात। तो जब ये कार्य किया जाता है, तो क्या आप अपने घर में ऐसा कार्य करते हैं? अगर आपने अपने घर में रामायण पढ़ना प्रारंभ किया है, तो आप नित्य प्रति अगर आप रामायण पढ़ते हैं, तो आपने उसके रखने के लिए चौकी भी ली होगी, आपने उसको लपेट कर रखने के लिए एक सुंदर सा वस्त्र भी लिया होगा, जिसे कलावे से आप बांध कर उसको विश्राम देते होंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा जरूर कीजिए। अगर आपके घर में धार्मिक पुस्तकें हैं, श्रीमद् भागवत गीता है और रामायण है, लेकिन आप उसे पढ़ते नहीं है, आप उसे उपयोग में नहीं लाते, लेकिन आपने लेकर रखी है कि आपका दिल करा कि मैं धार्मिक पुस्तक मेरे घर में होनी चाहिए। कहते हैं हिंदू घरों में रामायण जरूर होनी चाहिए, होनी जरूर चाहिए, लेकिन उसका ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आपके घर में रामायण और गीता है और आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर आप अपने जीवन में अनर्थ नहीं चाहते हैं, तो उन पुस्तकों को निकालिए और उनको धूप दीप दिखाइए, उनको स्वच्छ कीजिए, सुंदर से वस्त्र में लपेट के रखिए, विश्राम दीजिए उनको, लेकिन जब भी चाहे समय समय पर उन्हें धूप दीप जरूर दिखाइए। आप विश्राम कुछ ही समय के लिए करते हो, आप हमेशा के लिए विश्राम नहीं करते हो, इसलिए जब उसमें ईश्वरीय शक्तियां विराजमान है, तो आप उसको समय समय पर पूजें, पूजा अवश्य करें। आप कम से कम धार्मिक पुस्तकें अपने घर के अंदर रखें, ये नहीं कि बहुत सारी यहाँ से भी मिली, वहां से भी मिली, यहाँ भी अच्छा लगा, वहां भी बहुत अच्छा लगा, वहां कहीं भंडारे में मिल गया या किसी ने दे दिया और आपने फटाफट फटाफट सारी इकट्ठी कर ली, लेकिन उनके पन्ने कट रहे हैं, उनके पन्ने फट रहे हैं, उनमें दीमक लग गया या उनमें कीड़ा लग गया और आपने उनका इस्तेमाल भी नहीं किया, आपने उन्हें पढ़ा ही नहीं, पाप लगता है। अगर धार्मिक पुस्तकों का संग्रह करते हैं और उनकी पूजा नहीं करते हैं, समय समय पर उनको नहीं पढ़ते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो पाप लगता है। यानी कि हमें पता भी नहीं चलता हमारे घर में कब कष्ट शनै शनै आने प्रारंभ हो गए और धीरे धीरे पांव पसार लिया है परेशानियों ने, समस्याओं ने। और उसका कारण क्या होता है? जो हम श्रद्धा प्रेम से लाके अपने घर में धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते, लाने के बाद उनका हम कोई ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर एक छोटी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, यानी कि आपकी चाहे रसोई है, चाहे आपके घर की दहलीज है, चाहे आपके घर का कूड़ा करकट है, चाहे आपके घर के वस्त्र हैं, चाहे आपके घर के मसाले हैं, चाहे आपके घर की कोई भी चीज है, हर चीज के विषय में मैं इसलिए बताती हूँ, कहीं कहीं किसी न वजह से आपके घर में कोई वास्तु दोष ना हो जाए, कहीं ना कहीं किसी वजह से आपके घर में कोई कलेश ना हो जाए, कोई रोग बीमारी ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए समय समय पर ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इसमें
समझने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने बोला किस तरह से आपको उनको देखभाल रख रखाव रखनी है, सुंदर कपड़े में लपेट के रखना है, पूर्णिमा की तिथि हो, नवरात्र हो, या हर माह सप्ताह का शुक्रवार हो, या कोई भी ऐसा वार जो आपको लगता है अच्छा, तो आज सारी धार्मिक पुस्तकों को निकालेंगे, हल्का हल्का गंगा जल छिड़केंगे, धूप दीप दिखाएंगे, माथे से प्रणाम करेंगे, पुनः उनको विश्राम दे देंगे। इस तरह के कार्य को करो। अगर कोई पुस्तक के पेज निकल जाते हैं, कट जाती है, फट जाती है, पीली पड़ जाती है, तो उन्हें संग्रह में मत रखिए, उन्हें संग्रहित मत कीजिए, उनको आप वहां से निकाल लीजिए, फिर उनका विसर्जन कीजिए। और आपको लगता है कि मेरे पास एक ही हनुमान चालीसा था, लेकिन किसी वजह से वो जल गया या फट गया या अक्षर धूमिल हो गए, तो आप उसको मत रखिए, खंडित को बिल्कुल मत रखिए, आप उसका विसर्जन कीजिए और पुनः नया लेकर आइए मंगलवार के दिन, और फिर उसका पूजा करके उसको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। विसर्जन कहाँ करें और कैसे करें? जितनी भी आपके घर में धार्मिक पुस्तकें हैं या कैलेंडर्स हैं या अन्य किताबें जिन पर भगवान की तस्वीर होती है, यानी बहुत सारे विवाह के कार्ड होते हैं जिनके ऊपर भगवान की तस्वीर होती है, आप उसे कबाड़ी में रख देते हैं कि ये कार्ड अब यूजलेस है क्योंकि शादी हो गई, लेकिन आप नहीं देखते उसके ऊपर गणपति बने हुए हैं। ये आप ही का फर्ज है, ये दोष आप ही को लगेगा अगर आप कबाड़ी को देते हैं। नहीं दीजिए, उसमें से उन्हें निकाल लीजिए, और जितनी भी आपके पास सामग्री इकट्ठी हो जाए ऐसी पूजनीय सामग्री, किताबों की सामग्री, तो या तो उनको पानी में डालकर गला लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी में डालकर नहीं गलेंगी, तो बहुत गहरी मिट्टी, कहीं कच्चे स्थान पर बहुत गहरी मिट्टी खोद कर थोड़ा सा उस पर गंगा जल डालिए, थोड़े से अक्षत डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए, और उन पुस्तकों को उसमें रख दीजिए और मिट्टी से ढाक कर फिर पुनः पानी डाल दीजिए, फिर उनको वहां पर विश्राम दीजिए और नई पुस्तक लाकर अपने घर में पूजा करके पढ़ना प्रारंभ कीजिए। कभी भी धार्मिक पुस्तकों को पानी में प्रवाहित मत कीजिए, वो कहीं ना कहीं इधर उधर किनारे लग जाती हैं, किसी के पैरों में लगती हैं, किसी गंदे जगह पर जाती हैं, पाप सारा आप ही को लगता है। जल प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन पाप आपको भी पूरा लगता है, आपके कार्य बिल्कुल भी नहीं बनते इस तरह से अगर आपने किया है। और नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, और किया है तो क्षमा मांगते पुनः मत कीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर धार्मिक पुस्तकें घर में हैं तो जरूर बरतें ये सावधानियां, जिससे आपका जीवन सुखमय हो और आपको कोई कष्ट, कोई परेशानी, आपके जीवन में कोई अनर्थ ना हो। तो आज की वीडियो आशा करती हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।